चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के न्यूड वीडियो कॉल गैंग के दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के राजगढ़ से फैजान खान और लालपुरा गांव से राजेंद्र सिंह झाला शामिल हैं। इन दोनों को चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच पकड़कर अपने साथ ले गई है। दरअसल राजस्थान की न्यूड वीडियो कॉल गैंग में राजगढ़ के फैजान खान सहित 30 लोग शामिल हैं, जिसमें फैजान का काम ब्लैकमेल करने के बाद आए रुपयों को सेक्सटॉर्शन गैंग तक पहुंचाना था। सेक्सटॉर्शन गैंग के पकड़े गए 40 बैंक खातों में लेनदेन हुआ है। इनमें से 18 खाते फैजान के दिए हुए हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम फैजान से पूछताछ कर रही है। वहीं जानकारी के अनुसार फैजान को कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वहीं दूसरे आरोपी राजेंद्र सिंह झाला का बयान दर्ज करवाया गया है। उसने बताया कि फैजान ने झूठ बोलकर लोन के नाम पर उससे अकाउंट खुलवाए थे। पुलिस ने राजेंद्र को सरकारी गवाह बनाया है। जैसा आजकल विविध आपको विदित है कि देश के विभिन्न कोनों में कुछ गैंग ऑपरेट्स कर रही है, जो व्यक्तियों को ब्लैकमेल करती है, आगे उन लोग को अपने बातों के झांसे में लेती है, बाद में उनको वीडियो कॉल के लिए बुलाते हैं, वीडियो कॉल के बाद में उसके अंदर कुछ इस प्रकार के कंटेंट को मिक्स कर देते हैं, जिससे ना उसकी सामाजिक छवि को धूमिल किया जा सकता है। उसी सामाजिक छवि को धूमिल करने के आड़ में उनसे लाखों रुपये वसूल की जाती है। इसी प्रकार कुछ एक मामला चंडीगढ़ में एक महिला फरियादी के साथ भी आया था। महिला फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट चंडीगढ़ पुलिस ने करी थी, तो उसको भी किसी गैंग के द्वारा है ना इस प्रकार के टेरराइज करके उससे काफ़ी बड़ा अमाउंट वसूल किया गया। जब इस प्रकार के डेवलपमेंट किए गए, चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा है ना जब केस को टेक ओवर करके विवेचना की गई, तो विवेचना के तथ्य प्राप्त हुए कि बहुत सारा अमाउंट यहाँ पर पचोर में विभिन्न खातों में जमा हुआ है। जब वहाँ की टीम यहाँ पर आकर परीक्षण करती है, तो फैजान नाम के व्यक्ति के बारे में जिक्र आता है, जिसने ऑनलाइन HDFC में लगभग 35-40 खातों को बनाया था और इसी गेम को इन्हें उपलब्ध करा दिया। ये गेम लोगों को टेराइज करके विभिन्न माध्यम में इन खातों में पैसे जमा करते थे। ये बहुत सनसनीखेज खुलासा है और मेरा सभी लोगों से अनुरोध एवं आग्रह भी है कि भविष्य में इस प्रकार किसी गैंग के झांसे में ना आए। जब आप अगर किसी प्रकार से भी इस प्रकार के ना फ्रॉड के शिकार होते हैं या इस प्रकार के ना किसी भी घटना के शिकार हो, तत्काल में नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाके इसे कंप्लेन करिए। पुलिस और साइबर विंग हमेशा आप लोग के साथ है और हम लोग आपके साथ हैं, और किसी प्रकार भी आप इस प्रकार पर डरे ना और भयभीत ना हो और किसी प्रकार के अमाउंट भी इन गेम को ना दें। यहाँ बता दें कि राजगढ़ जिले के पचोर में रहने वाला फैजान खान 10वीं तक पढ़ा है। इसके बाद उसने निजी संस्थान से ITI का कोर्स किया। वो गांव में जाकर लोगों के श्रम कार्ड, आधार कार्ड सहित दूसरे योजनाओं के कार्ड बनाने, उनमें संशोधन का काम करता था। वो पचोर की HDFC बैंक में ऑनलाइन खाते भी खोलता है। फैजान 2 साल पहले फेसबुक के जरिए राजस्थान के भरतपुर के सेक्सटॉर्शन गैंग से जुड़ा। वहीं फैजान ने गैंग को 18 बैंक खाते भी उपलब्ध कराए। फैजान ने गैंग से एक खाते के बदले 10,000 रुपये लिए। बाद में ट्रांजैक्शन के हिसाब से 40% तक वो कमीशन लिया करता था। आपको बता दें कि ये गिरोह लोगों को फंसाने के लिए व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं। साथ ही पीड़ित को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप का इस्तेमाल करके महिला के साथ चैट करते हुए रिकॉर्ड करते हैं, जिसके बाद वो पीड़ित को ब्लैकमेल करते थे। राजगढ़ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।